तो सीआईडी का सीज़न वन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और 20-21 सालों तक सीआईडी शो को मैंने आपने हम सब ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और इसीलिए ये शो 21 सालों तक चला। सीआईडी के सीज़न टू को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तहलका मची हुई है और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सीआईडी का सीज़न टू हमें देखने को मिलेगा। खैर, हम लोगों के इंतज़ार जो है वो 2024 में ख़त्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि सीआईडी की पूरी टीम 2024 में हमें दिखाई देगी और इस टीम में सीआईडी के सारे दिग्गज हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीआईडी के एक्टर्स के सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, सीआईडी के सीज़न वन की तरह ही सीआईडी के सीज़न टू में एसीपी प्रद्युमन यानी कि शिवाजी साटम जो कि सीआईडी के मुखिया हैं, उनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है पर एपिसोड का, यानी कि 1,20,000 से 1,50,000 तक उनको पर एपिसोड मिल सकता है। वहीं पर बात करें सीआईडी के जय और बीरू यानी कि दया और अभिजीत की, तो इन लोगों की सैलरी भी 80,000 से लेकर 1,10,000 1,20,000 तक रहेगी। इसके बाद अगर बात करें सचिन पूर्वी और श्रेया पंकज की, तो इन लोगों की सैलरी 50,000 60,000 से लेकर 80,000 से 90,000 तक रहेगी। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर तारिका डॉक्टर सालुंखे की, तो इन लोगों की पर एपिसोड सैलरी 50,000 से लेकर 60,000 रुपये के बीच रहेगी। इसके बाद जो बाकी के कैरेक्टर्स हर एपिसोड में हमें दिखाई देंगे, उन्हें पर एपिसोड का 25,000 से लेकर 30,000 40,000 तक मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सीआईडी का सीज़न टू भी सीज़न वन की तरह ही धूम मचाएगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।